हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है अभिषेक। तो अभी आप जानते हो कि सारे ब्रांड्स लगे हैं कमाल के डिवाइसेस लॉन्च करने में, चाहे वो अपना शाओमी हो रेडमी सीरीज के साथ रेडमी नोट 7, या फिर सैमसंग लगा हुआ है अपनी एम सीरीज ए सीरीज के साथ, और पोको तो आपको जानते ही हो सारे डिवाइसेस को यहाँ पर किल कर चुका है अपने F1 के साथ। तो शाओमी ने भी रिसेंटली यहाँ पर लॉन्च किया था रेडमी नोट 7 प्रो, पूरे मार्केट को यहाँ पर खत्म कर दिया है। चाहे आप रियलमी या एसूस की बात करो या नोकिया की बात करो, तो ऑलमोस्ट सारे डिवाइसेज उसके अपने एकदम खत्म से हो गए हैं। और सैमसंग ने भी भाई बिल्कुल कमाल कर दिया है A50 को लॉन्च करके। मुझे काफी पर्सनली पसंद आए हैं इस बार सैमसंग के फोन। तो आज के इस वीडियो में हम एकदम मैसिव कंपैरिजन करने वाले हैं रेडमी नोट 7 प्रो, सैमसंग गैलेक्सी A50 और यहां पर पोको F1 के बीच में, जो कि ऑलरेडी यहां पर किलर डिवाइसेज हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि 20,000 रुपये में सबसे बेस्ट यहाँ पर डिवाइस आपके लिए कौन सा निकल के आ सकता है, आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कौन सा डिवाइस यहाँ पर सबसे कमाल का यहाँ पर निकल के आएगा। तो ये सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं तीनों ही डिवाइसेस की बिल्ड क्वालिटी के मामले में। अब यहाँ पर इकलौता फोन है रेडमी नोट 7 प्रो, जो कि एकदम ग्लास बॉडी के साथ आता है। आगे पीछे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन यहाँ पर दी गई है। दिखने में बहुत ही कमाल का ये डिवाइस है, ग्रेडियंट डिजाइन के साथ आता है। ब्लू कलर मिलता है और एक कुछ रेड कलर मिलता है और एक टोटली ब्लैक कलर आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर A50 की बात करें तो यहाँ पर सैमसंग की पॉलीकार्बोनेट डिज़ाइन के साथ वो आता है। दिखने में ग्लास लगता है बट पॉलीकार्बोनेट यानी कि प्लास्टिक बैग के साथ आता है। बट यहाँ पर एक ब्लैक कलर आता है जो कि रेनबो इफेक्ट देता है, बहुत ही कमाल का लगा है मुझे पर्सनली। पीछे ट्रिपल रियर कैमराज है तो दिखने में बहुत ही कमाल का लगता है। और एक व्हाइट कलर भी है सैमसंग के, जैसे पहले ग्रैंड सीरीज वगैरह जो सैमसंग के व्हाइट फोन्स आते थे तो उस तरह के कुछ व्हाइट कलर मिलता है जो कि बहुत ही कमाल का लगता है। और एक ब्लू कलर है जो कि थोड़ा ऑर्डिनरी से यहाँ पर लगता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं लास्ट में पोको F1 की। तो पोको F1 यहाँ पर स्टैंडर्ड पॉलीकार्बोनेट बैग के साथ आता है। सिंपल आपको कलर मिलते हैं जैसे कि रेड, ब्लू और कैवलार वाला, तो वहाँ पर कुछ इतना खास नहीं है। दिखने के मामले में यार Redmi Note 7 Pro और Samsung का A50 बहुत ही कमाल के डिवाइसेज हैं। पर्सनली मैं यहाँ पर बात करूँ बिल्ड क्वालिटी के मामले में तो Redmi Note 7 Pro यहाँ पर विनर हो जाता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन आगे पीछे दी गई है और बाकी के A50 और पोको F1 में टोटली प्लास्टिक का यहाँ पर यूज़ किया गया है। बट सेकंड नंबर में यहाँ पर A50 आता है क्योंकि यहाँ पर रेनबो इफेक्ट और व्हाइट कलर जो मिलता है आपको दिखने में वो काफ़ी कमाल का लगता है। पोको यहाँ पर एकदम स्टैंडर्ड आपको देखने को मिलता है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं यहाँ पर तीनों ही फोन्स के डिस्प्ले के मामले में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं Redmi Note 7 Pro से। तो यहाँ पर आपको एक 6.3 इंच का डॉट नॉट डिस्प्ले मिलता है, यानी कि आप इन्फिनिटी यू डिस्प्ले बोल सकते हो अगर सैमसंग की लैंग्वेज में बोले तो। ये एक LTPS LCD डिस्प्ले है जो कि काफ़ी कमाल का है, बहुत ही कम पावर कंजम्पशन यहाँ पर है, काफ़ी कमाल का डिस्प्ले है, बहुत ही अच्छे कलर्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे और सनलाइट डिस्प्ले मिलेगा। Xiaomi के जो सॉफ्टवेयर में इंक्लूडेड फीचर्स होते हैं सब यहाँ पर मिलेंगे। डिस्प्ले के मामले में कोई यहाँ पर इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा Note 7 Pro में भी। यहाँ पर बात करते हैं सैमसंग की, जो कि लेके आता है 6.4 इंचेस का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले। यही नहीं, यहाँ पर आपको एक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। तो यार सैमसंग ने तो बिल्कुल एकदम खत्म कर दिया इस प्राइस सेगमेंट में डिस्प्ले की हम बात करें, क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। एकदम डीप ब्लैक्स आपको मिलेंगे, वाइब्रेंट कलर्स मिलेंगे, कॉन्ट्रास्ट रेशियो एकदम ऑन पॉइंट होता है, तो एकदम कमाल का। ऊपर से अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पर मिलता है, तो यार बिल्कुल कमाल का है। और यहाँ पर लास्ट में बसता है अपना पोको, जो कि 6.18 इंच की डिस्प्ले के साथ आता है। IPS LCD डिस्प्ले है, कमाल की डिस्प्ले है, 1080p है। तो गाइज यहाँ पर बात करते हैं स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की। तो सबसे ज्यादा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको सैमसंग के डिवाइस में ही मिलता है, A50 में 84% का। ऊपर से सुपर एमोलेड डिस्प्ले, ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो यार इस प्राइस सेगमेंट में सबसे ज्यादा यहाँ पर वोट मेरा जाता है 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि सैमसंग की है, कोई मुकाबला नहीं है दूर दूर तक। और उसके बाद यहाँ पर आता है अपना नोट 7 प्रो। सैमसंग में भी आपको इन्फिनिटी यू वाली डिस्प्ले मिलती है और पोको में आपको एक वाइड नॉच मिलती है जिसके अंदर IR फेस कैमरा वगैरह है और कुछ सेंसर्स वगैरह है, तो वो थोड़ी इसलिए वाइड आपको देखने को मिलती है। तो गाइस अब यहाँ पर बात कर लेते हैं तीनों ही फोन्स के कैमरास के मामले में। तो गाइस नोट 7 प्रो में एक 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है प्लस 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। अब ये जो कैमरा है ट्रू 48 मेगापिक्सल है क्योंकि यहाँ पर सोनी का MX586 सेंसर यूज किया गया है जो कि सपोर्ट करता है, और प्रोसेसर जो है वो इस कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 675 है तो 48 मेगापिक्सल के कैमरे को सपोर्ट करता है। ये नोट 7 की तरह नहीं है कि उसमें आपको आउटपुट 12 मेगापिक्सल का मिलता है, लेकिन वो जो कन्वर्ट करके जो फोटो आती थी सॉफ्टवेयर के थ्रू, ये ट्रू 48 मेगापिक्सल का कैमरा है। फ्रंट फेसिंग कैमरा 13 मेगापिक्सल का मिलता है। सोनी का सेंसर है, बहुत ही कमाल की यहाँ पर 4-in-1 सुपर पिक्सल टेक्नोलॉजी Xiaomi ने यूज किया है जो कि पिक्सल ब्रीथिंग टेक्नोलॉजी है Xiaomi की। लो लाइट्स में काफी कमाल के शॉट मिलेंगे, नाइट मोड मिलता है, मतलब यार कैमरा है ना एकदम फीचर पैक्ड है, बहुत ही धांसू आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। इससे पहले पोको F1 का कैमरा बहुत ही कमाल का था अपने प्राइस सेगमेंट में, वहां पर आपको डुअल रियर कैमरा का सेटअप मिलता है जो कि 12 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का F1.9 कैमरा है मेन, और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। 20 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा आपको पोको F1 में मिलता है। पोको F1 स्टिल अपने प्राइस सेगमेंट में सबसे एकदम बेस्ट कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलता है। MKBHD ने अपना एक कंपैरिजन किया था ब्लाइंड टेस्ट, सबसे ऊपर यहाँ पर अपना पोको F1 जीता था।
तो भाई आप सोच सकते हो कितनी कमाल की परफॉर्मेंस है। नोट 7 प्रो का एकदम धांसू कैमरा होने वाला है, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। दोनों ही फोन्स में आपको यहाँ पर नाइट मोड, कुछ कमाल के MIUI वाले कैमरा फीचर्स आपको देखने को मिलते, तो वो सब आप चेकआउट कर सकते हो। बट सैमसंग भी यहाँ पर पीछे नहीं है अपने ट्रिपल रियर कैमरा के सेटअप के साथ। 25 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है जो कि F1.7 एपर्चर के साथ आता है। 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है जो कि 128 डिग्री के वाइड व्यू के साथ आता है। बहुत ही कमाल का पर्सपेक्टिव ऐड करता है सैमसंग का कैमरा भी। ओवरऑल सैमसंग भी यहाँ पर पीछे नहीं है कैमरा के मामले में, बट यार विनर जो है वो नोट 7 प्रो और पोको F1 हो जाते हैं, क्योंकि क्लास लीडिंग कैमरा है इन दोनों ही प्राइस सेगमेंट में पोको F1 और नोट 7 के पास। सैमसंग का मुझे थोड़ा सा डाउट है कि कैमरा थोड़ा सा यहाँ पर इनसे कम हो सकता है। और तीनों ही फोन्स में यहाँ पर सेल्फी कैमरा भी काफी कमाल के मिल जाते हैं। नोट 7 प्रो में 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, सैमसंग की यहाँ पर बात करें तो 25 मेगापिक्सल का एक कैमरा दिया गया फ्रंट में, पोको F1 में यहाँ पर 20 मेगापिक्सल का है। ओवरऑल पोको F1 और यहाँ पर तीनों ही फोन्स के सेल्फी कैमरे काफी कमाल के हैं, तो कोई भी आप चूज कर सकते हो और सारे कमाल के फीचर्स आपको इसके सॉफ्टवेयर में देखने को मिल जाता है। जब बात करते हैं तीनों फोन्स की वीडियो परफॉर्मेंस की, तो तीनों फोन्स में आपको 4K वीडियोस का सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर Xiaomi की बात करते हैं, यहाँ पर 1080p 120fps 60fps का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर Poco में आपको 720p 960fps का जैसे कुछ फीचर्स मिलते हैं। EIS मिल जाता है आपको Poco F1 Note 7 Pro में। Samsung में मुझे डाउट है कि EIS है कि नहीं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड करके बता दूंगा। तो ओवरऑल जो तीनों फोन है वो यहाँ पर वीडियो के मामले भी कमाल के होने वाले हैं। Samsung काफी ज्यादा बढ़िया रहा है वीडियो के डिपार्टमेंट में, तो Samsung भी यहाँ पर कमाल कर सकता है। और सैमसंग में यहाँ पर जो अल्ट्रा वाइड लेंस है उसके साथ जो अल्ट्रा वाइड वीडियोस है वो भी आप रिकॉर्ड कर पाओगे, तो एक एडवांटेज भी है सैमसंग के पास। बाकी वीडियो परफॉर्मेंस पोको F1 और नोट 7 प्रो की एकदम कमाल की होने वाली है। सैमसंग का मुझे थोड़ा सा डाउट है यहाँ पर कैमरे के मामले में, होपफुली मैं इसको जल्दी से परचेज करने वाला हूँ, आपको डिटेल कंपैरिजन मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस अब यहाँ पर बात कर लेते हैं तीनों ही फोन्स के प्रोसेसर के मामले में। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं नोट 7 प्रो से। यहाँ पर आपको कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर दिया गया है Xiaomi ने। ये पहला फोन है जो 675 के साथ आता है और सीधा इंडिया में यहाँ पर लॉन्च किया है। पूरे वर्ल्ड में अभी तक कोई भी फोन लॉन्च नहीं हुआ है 675 के साथ, पहला डिवाइस है। एड्रीनो के 612 जीपीयू के साथ आता है, एकदम बीस प्रोसेसर है यार। आप इसमें HD ग्राफिक्स पे पबजी खेल सकते हो हाई सेटिंग्स पे और कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो मक्खन चलेगी। और यार इस प्राइस सेगमेंट में सबसे पहला फोन है जो इतने कमाल के प्रोसेसर के साथ आता है। इसमें सेम टेक्नोलॉजी यूज की है जो कि आपको स्नैपड्रैगन 855 में यूज की गई है, क्रायो के कोर्स, तो वही क्लस्टर कोर्स यहाँ पर यूज किया गया, तो ये यार मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा कमाल का लगा। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं सैमसंग की, तो सैमसंग ने यहाँ पर इस बार एक कमी नहीं छोड़ी है प्रोसेसर के मामले में। सैमसंग ने यूज किया एक्सिनोस का 9 सीरीज का 9610 प्रोसेसर जो कि 2.3 GHz पे क्लॉक्ड है। बहुत ही कमाल का चिपसेट है और स्नैपड्रैगन 660 से हल्का से ऊपर जाता है। और यार एकदम कमाल कर दिया इस बार सैमसंग ने। मुझे लगा था कि प्रोसेसर में थोड़ी सी कमी छोड़ देगा, बट सैमसंग ने इस बार कमी नहीं छोड़ी है। माली का G70 MP3 GPU भी मिल जाता है, गेमिंग परफॉर्मेंस भी काफी कमाल की। आप इसमें HDR तक पबजी को ले जा सकते हो और थोड़े बहुत हल्के फुल्के आपको फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिल सकते हैं, बट HD में तो यार बिल्कुल स्टेबल चलेगी हाई सेटिंग्स पे, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा प्रोसेसर के मामले में। बहुत ही कमाल का फोन है सैमसंग गैलेक्सी A50 भी। मुझे थोड़ा सा डाउट था कि परफॉर्मेंस में यहाँ पर कमी छोड़ सकता है सैमसंग, बट अच्छा किया सैमसंग ने यहाँ पर इस बार कमी नहीं छोड़ी है प्रोसेसर के मामले में। तो यार लास्ट में अपना बचता है पोको F1 जो कि स्नैपड्रैगन 855 के साथ आता है, एकदम बीस्ट है यार, उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। साथ में लिक्विड कूलिंग वगैरह मिल जाती है, तो यार वो तो फ्लैगशिप प्रोसेसर है एड्रेनो के 630 GPU के साथ आता है, बीस्ट है वो तो ऑलरेडी बीस्ट है। HDR तक पबजी आप मस्त चलाओगे, एकदम मक्खन चलेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। लिक्विड कूलिंग भी है, बहुत लॉन्ग टाइम तक आप गेम्स खेल सकते हो। क्लियर विनर है पोको F1 और उसके बाद नोट 7 प्रो आता है, उसके बाद अपना यहाँ पर 9610 आता है। तो गेमिंग के मामले में अगर फोन लेना है यार पोको F1 ले लो आंख बंद करके, उसके बाद नोट 7 प्रो, उसके बाद सैमसंग को यहाँ पर देख ले। तो गाइस अब बात कर रहे थे यहाँ पर बैटरी लाइफ के मामले में। तीनों ही फोन्स में 4000mAh की बैटरी मिलती है, तीनों ही फोन्स में टाइप सी का पोर्ट है, तीनों ही फोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। नोट 7 प्रो अपने क्विक चार्ज 4 प्लस को सपोर्ट करता है, बट बॉक्स में इंक्लूडेड चार्जर नहीं आता है। अपना A50 जो है वो 15W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बॉक्स में इंक्लूडेड चार्जर भी आता है। यहाँ पर बात करते पोको F1 की, तो 18W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बॉक्स में इंक्लूडेड चार्जर शायद से आता है, मुझे कंफर्म नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं ऐड करके बता दूंगा। और गाइस तीनों ही फोन्स में बैटरी की कोई भी इशू नहीं होने वाला है, जो अपना Xiaomi है लिक्विड कूलिंग को भी सपोर्ट करता है। और तीनों ही फोन्स के जो सॉफ्टवेयर की हम बात करें, तो तीनों ही फोन्स रन करते हैं एंड्रॉइड 9 पाई पे। अपना Xiaomi MI A1 और पोको F1 रन करते हैं MIUI 10 के पाई बेस्ड, और यहाँ पर जो सैमसंग है वो रन करता है अपने एंड्रॉइड 9 UI बेस्ड पे, जो बहुत ही कमाल की बात है। और तीनों फोन्स में डार्क थीम आपको देखने को मिल जाएगी, बट सैमसंग के पास एडवांटेज ये है कि अगर आप इसमें 1 UI यूज करते हो डार्क मोड, तो यहाँ पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। तो बैटरी के मामले में मुझे लगता है सैमसंग इस बार यहाँ पर किल करने वाला है इन दोनों फोन्स को। अब गाइस यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ बची हुई चीजें मिसलेनियस स्टफ के बारे में।
तीनों ही फोन्स में आपको डुअल सिम का सपोर्ट मिलता है, मेमोरी कार्ड का स्लॉट तीनों ही फोन्स में है। यहाँ पर एक दिक्कत वाली बात है नोट 7 प्रो और पोको F1 के साथ की, वहाँ पर आपको डेडिकेटेड स्लॉट देखने को नहीं मिलता है। बाकी बचा है सैमसंग जो कि डेडिकेटेड स्लॉट के साथ आता है डुअल सिम प्लस एसडी कार्ड। ऑफकोर्स तीनों ही फोन्स में आपको डुअल 4G वोल्टेज का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अब शाओमी के पास एक एडवांटेज है जो कि IR सेंसर है जो कि आपको पोको F1 और यहाँ पर नोट 7 प्रो में देखने को मिलता है, तो यहाँ पर एक एडवांटेज हो जाती है। सैमसंग में आपको NFC यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तीनों ही फोन्स में AI वाले फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। पोर्ट्रेट मोड की हम यहाँ पर बात करें तो शाओमी के पास नाइट मोड भी है, पोर्ट्रेट मोड में भी काफी ज्यादा डिफरेंस आपको मिल जाते हैं और यहाँ पर स्टूडियो लाइटिंग का भी आपको फीचर्स मिल जाते हैं। सैमसंग के पास एडवांटेज ये है कि यहाँ पर आपको सीन ऑप्टिमाइजर देखने को मिल जाता है जो कि सैमसंग अपने फ्लैगशिप सीरीज के फोन्स में देता है, तो ये काफी कमाल की बात है। बट ओवरऑल तीनों ही फोन्स काफी कमाल के हैं। नोटिफिकेशन LED की यहाँ पर बात करें तो नोट 7 प्रो में नहीं मिलती है, आपको सैमसंग A50 में भी नहीं मिलेगी, बस पोको F1 में आपको देखने को मिलती है। तो ओवरऑल तीनों ही फोन्स काफी कमाल के हैं। सैमसंग के पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है A सीरीज का, यहाँ पर आपको IP6 शेड वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस मिलता है जो कि बाकी दोनों फोन्स में आपको देखने को नहीं मिलता है। ऑफकोर्स आप नोट 7 के प्राइस में नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट पोको में शायद से एक्सपेक्ट कर सकते, बट वहां पर आपको फ्लैगशिप ग्रेड स्पेक्स मिलते हैं तो वहां पर भी एक्सपेक्टेशन नहीं मिलती है, बट सैमसंग यहाँ पर इस मामले में आपको आगे देखने को मिल जाएगा। तो भाई ओवरऑल तीनों ही फोन्स काफी कमाल के हैं। प्राइसिंग की यहाँ पर बात करें तो Redmi Note 7 Pro स्टार्ट हो जाता है 14,000 रुपए में जो कि 4GB 64GB है। 17,000 रुपए की प्राइस में आपको एक 6128 मॉडल मिल जाएगा। जो सैमसंग की प्राइसिंग की यहाँ पर बात करें तो 464 20,000 मिल जाएगा। 6128 के लिए आपको 23-24,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। पोको F1 अपना 20,000 रुपए मिल जाता है, 664 आपको 18,000 रुपए में मिल जाएगा अगर आप सेल में अगर आप परचेज करोगे। तो ओवरऑल यार अगर मैं बात करूँ क्लियरली परफॉर्मेंस एकदम बेस्ट फोन चाहिए, कमाल का कैमरा चाहिए, कमाल की बैटरी, लिक्विड कूलिंग और IR फेस अनलॉक भी मिल जाता है जो कि मैं बताना भूल गया पोको F1 में। तो ओवरऑल पोको F1 यहाँ पर क्लियरली विनर हो जाता है, बहुत ही कमाल का डिवाइस है यार। तीनों ही फोन्स बहुत ही कमाल के। सैमसंग अगर आपको चाहिए One UI आप चाहते हो, सैमसंग का यूजर इंटरफेस से फेमिलियर हो और ओवरऑल ट्रिपल रियर कैमरा अल्ट्रा वाइड लेंस चाहिए तो ओवरऑल सैमसंग का फोन काफी कमाल का है। बाकी नोट 7 प्रो और पोको F1 तो आप जानते ही हो अपने प्राइस सेगमेंट के क्लियर डिवाइसेज है, तीनों में से कोई भी फोन आप परचेज कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं भाई, यूज करना, तुम्हारे भाई के बाद थोड़ी सी कृपया पर बस जाएगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं हम 2,000 लाइक्स का, मुझे उम्मीद है कि आप कर दोगे। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में और कमेंट्स करके बता देना कौन सा कंपैरिजन अगला लेक्स देखना चाहते हो, कोई भी वीडियो कोई भी सजेशन हो पोस्ट कर देना कमेंट्स में। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।